हे गाइस, पहाड़ी स्टाइल में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजाता। ये मेरे पास कुछ पुराने डब्बे पड़े हैं, इनका मैं आज स्पाइस रैक बनाने जा रही हूं। बहुत ही इजी सिंपल है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बनाते हैं इसे स्पाइस रैक को। तो सबसे पहले जो आपका बॉक्स है वो कहीं से खुला है तो उसको बंद कर लीजिए। मैं यहाँ पर सेलो टेप से सिक्योर कर लूंगी, आप चाहे तो फेविकोल का यूज भी कर सकते हैं। दूसरा बॉक्स है, और बॉक्स जो भी आप लेंगे थोड़ा हार्ड बॉक्स लीजिएगा, तो उसको साइड में रखिए। पीछे से प्लेन करके आपको एक लेयर बनानी है और उसको अच्छे से फेविकोल या सेलो टेप से सिक्योर कर लीजिए। मैं यहाँ पे सेलो टेप का यूज कर रही हूँ। तो मैं सेलो टेप लगा लूंगी, पीछे से अच्छे से सिक्योर कर लूंगी। अब पीछे से आपको प्लेन बनाना है। वन साइड से ऐसे कर लिया, ऐसे आप मुझे दूसरी साइड से भी करना है। मार्केट में मार्केट हो या मैंने ऑनलाइन चेक करा था, स्पाइस रैक का रेट तो मिनिमम 500 रुपीस का स्पाइस रैक है। तो स्पाइस रैक का मोस्टली हम अपने कैबिनेट्स वगैरह में या बाहर भी रख सकते हैं किचन के लिए, बट कैबिनेट्स में इतना स्पाइस रैक नजर आता नहीं है और बहुत एक्सपेंसिव भी है। अगर हम दो तीन भी बनाते हैं तो बहुत महंगा पड़ जाता है। अगर हम 500 रुपीस के तीन भी लेंगे तो 1500 हमारे यही वेस्ट हो जाते हैं। तो इससे अच्छा तो घर में बनाओ, बहुत ही सिंपल और इजी है। इसे मैंने अच्छे से सिक्योर कर लिया है, देखिए हार्ड बन चुका है। जो भी बॉक्स लें थोड़ा हार्ड लें। यहाँ पे आपको इसको, या आप, मैं गिफ्ट रैपर का यूज कर रही हूँ, आपके पास कोई सी भी पॉली है, या यहाँ पे मेरे दो टाइप के गिफ्ट रैपर है, एक पॉली वाला और एक पेपर वाला। तो मैं यहाँ पे पेपर वाला यूज कर रही हूँ। आप पॉली वाला भी लगाओगे तो उससे भी बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसे लीजिएगा शीट जो पूरी तरह से आपके गिफ्ट रैपर को, सॉरी आपका जो बॉक्स है उसको कवर कर ले। तो मैं आधे में फेविकोल लगा लूंगी। तो मेरे पास फेविकोल का बड़ा डब्बा है इसलिए मैं बड़े ब्रश से लगा रही हूँ, आपके पास जो भी है उसे लगाइए। पहले आधी शीट में लगाइएगा फेविकोल। मैंने आधी शीट में लगा लिया है। अब हम आगे से स्टार्ट करेंगे जहां पे स्पेस है उससे, और उसको टर्न करके नीचे की साइड से लगाएंगे। कि मैंने से एक साइड से चिपका दिया, बचे हुए हिस्से में भी मैं फेविकॉल लगा लूंगी। मैं चाहे आप बॉक्स में लगा सकते हैं, चाहे आप पेपर में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बॉक्स में लगाऊंगी फेविकॉल, पर ध्यान रखिएगा कि जो जिसका भी आप स्पाइस रैक बनाना चाहें जो अपना कैबिनेट्स के लिए, वो साइज का रखे कि जो ऊपर का साइज हो थोड़ा लंबा सा हो। लंबे बॉक्स का ही मोस्टली कैबिनेट्स आपका स्पाइस रैक बनेगा। तो मैंने ऊपर भी लगा लिया, मैं इसे अच्छे से चिपका लूंगी। अब मैं इसको देखिए, मैंने अच्छे से चिपका के पीछे से भी मैं ऐसे चिपका लूंगी, साइड से मैं कट मार लूंगी कि अच्छे से सिक्योर हो जाए, अच्छे से चिपक जाए और मतलब क्लीन इसकी शेप आई, कहीं से ज्यादा मुड़ा वगैरह ना नजर आए। देखिए एक साइड से भी कर लिया, मैं ऐसे दूसरे साइड से भी थोड़ा सा काटूंगी और पहले नीचे का पोर्शन को चिपकाऊंगी। इस टाइप करके आप पूरा जो रैक है उसको अच्छे से चिपका लीजिए, सिक्योर कर लीजिए। देखिए मेरा स्पाइस रैक बनके बिल्कुल एकदम रेडी है और ये किचन में लगाने के लिए भी रेडी है। और देखिए इसमें लगाई मैंने अपनी सारी मसाला दानी। मेरे सारे स्पाइसेस मैंने इसमें रखे हैं।
तो ये देखिए, ये डन हो चुका है मेरा स्पाइस रैक। आई होप आपको मेरी ये स्पाइस रैक का DIY पसंद आया होगा। अगर DIY पसंद आया होगा तो प्लीज एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हाँ, और बेल बटन को दबाना भी बिल्कुल मत...